आज की एक्सेल की वीडियो में सीखेंगे काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ फंक्शन को कैसे यूज करना है। बहुत ही छोटे से फंक्शन है, इसलिए हमने एक ही वीडियो में इसे एक्सप्लेन किया है। अगर आप पर्टिकुलर फंक्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निकुंज रावल और आपका स्वागत है एक्सेल गुरुजी चैनल में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ वैल्यू पहले से लिख कर रखी है, जिसमें नंबर्स है, टैक्स है, डेट है, टाइम है, ब्लैंक सेल है। ये ब्लैंक सेल नहीं है, यहाँ पर हमने स्पेस देकर रखी है। ये नंबर है पर हमने इसे एज अ टैक्स सेव किया है, तो इसको हम टैक्स ही मान सकते हैं। और लास्ट में हमने यहाँ पर फॉर्मूला यूज की है, जिसका हमें रिजल्ट मिल रहा है एम्प्टी स्ट्रिंग। तो चलिए अब हम हमारा पहला फंक्शन देखते हैं, काउंट। काउंट फंक्शन का यूज हम तब करेंगे जब हमें मालूम करना हो कि हमने जो सेल रेंज दी है उसमें से कितने सेल में नंबर कंटेंट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल टू काउंट, ब्रैकेट ओपन करेंगे और आप देख सकते हैं बहुत ही छोटी सी सिंटैक्स है और उसकी फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ही मैंडेटरी है, बाकी सारी ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है। तो हम वैल्यू वन में हमारी ये डेटा रेंज सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास दूसरी कोई डेटा रेंज है तो आप कॉमा करके वैल्यू टू दे सकते हैं। ऐसे आप मैक्सिमम 255 वैल्यू तक दे सकते हैं। फिलहाल हमारे पास यहाँ पर ओनली वन डेटा सेट है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूला को क्लोज करेंगे और एंटर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमें आंसर मिल रहा है 3, यानी कि ये जो 3 सेल है उसकी जो कंटेंट है वो नंबर है, यानी कि डेट और टाइम को एक्सेल नंबर के तौर पे स्टोर करता है। आप यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये जो डेट है उसको अगर हम नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 45,580। वैसे ही अगर हम दिए हुए टाइम को नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 0.56। और ये जो A9 सेल में 111 दिया हुआ है वो एज अ टैक्स सेव है, तो ये अभी नंबर नहीं है, ये टैक्स है। तो इस तरीके से यहाँ पर 3 सेल में हमें नंबर कंटेंट दी हुई है। तो चलिए अब नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, काउंट ए। काउंट ए फंक्शन का यूज हम तब करेंगे जब हमें दी हुई रेंज में से हमें नंबर मालूम करना हो कि कितने सेल हैं जो एम्प्टी नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल टू काउंट ए। इसकी सिंटेक्स भी सेम काउंट फंक्शन जैसी ही है, आप मैक्सिमम 255 वैल्यू तक आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। इसमें से फर्स्ट है वही मैंडेटरी है, बाकी सारी ऑप्शनल है। तो हम यहाँ पर वैल्यू सिलेक्ट करेंगे A2 से लेके A11, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 10 सेल की टोटल रेंज सिलेक्ट की थी और उसमें से हमें आंसर मिल रहा है 9, यानी कि ब्लैंक सेल को छोड़कर सारे सेल में कुछ ना कुछ कंटेंट अवेलेबल है। जैसे ये सेल है वो ब्लैंक दिख रहा है पर यहाँ पर हमने स्पेस देकर रखी है और यहाँ पर फॉर्मूला का जो रिजल्ट है वो एम्प्टी स्ट्रिंग है, तो वो भी एज अ कंटेंट काउंट कर लिया है। तो चलिए अब देखते हैं काउंट ब्लैंक फंक्शन के बारे में। इसका यूज हम तब करेंगे जब हमें सिलेक्ट की हुई रेंज में से कितने सेल ब्लैंक है ये जानना हो। इक्वल टू काउंट ब्लैंक, सेम रेंज लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। तो हमें यहां पर आंसर मिल रहा है 2, यानी कि ये 2 सेल है वो ब्लैंक है। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न ये हो गया है कि जब हमने काउंट ए फंक्शन का यूज़ किया तो उसने हमें बताया कि ये सेल में कुछ कंटेंट अवेलेबल है और काउंट ब्लैंक हमें शो कर रहा है कि ये सेल ब्लैंक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो फॉर्मूला का रिजल्ट है वो एम्प्टी स्ट्रिंग मिल रहा है, इस वजह से टेक्निकली इट इज़ नॉट एम्प्टी। तो काउंट ए फंक्शन ने इसे काउंट किया क्योंकि इट इज़ नॉट ट्रूली ब्लैंक, एंड दूसरी साइड काउंट ब्लैंक फंक्शन ने इसे काउंट किया बिकॉज एब्सोल्युटली देयर इज नो कंटेंट, यानी कि कोई कंटेंट अवेलेबल नहीं है। अगर यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग की जगह पर 1 स्पेस भी होता तो काउंट ब्लैंक इसे काउंट नहीं करता, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको थोड़ा क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं काउंट इफ फंक्शन को। काउंट इफ फंक्शन का यूज हम तब करेंगे जब हमें सेल को काउंट करना है बाय गिवन कंडीशन। जैसे मैं यहाँ पर यूज करता हूँ इक्वल टू काउंट इफ, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रेंज में हम रेंज सिलेक्ट करेंगे A2 से लेके A11। सेकेंड आर्ग्यूमेंट क्राइटेरिया में हमें ऐसे सेल को काउंट करना है जिसमें ABC टेक्स्ट लिखा हो, तो हम डबल कोटेशन मार्क में लिखेंगे ABC। आप यहां पर वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर भी यूज कर सकते हैं, मैं यहां पर यूज करता हूं एस्टरिस्क, यानी कि फर्स्ट 3 कैरेक्टर ABC और बाद में कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। फॉर्मूला क्लोज करेंगे और एंटर।
तो ऐसे दो सेल हैं जिसमें कंटेंट एबीसी आ रहा है। और हमने ये भी जान लिया कि काउंट इफ फंक्शन नॉट केस सेंसिटिव है, यानी कि अपर केस और लोअर केस में वो कोई डिफरेंस नहीं करता। एक और एग्जांपल भी काउंट इफ में देख लेते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सके। जैसे यहाँ पर मेरे पास एक डमी डेटा है, उसमें प्रोडक्ट है, उसकी सेल दी हुई है और वो सेल कौन से रीजन से है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। और अब मुझे मालूम करना है कि कितने सेल ऐसे हैं जिनमें सेल 1500 से ऊपर है। तो हम काउंट इफ फंक्शन को कुछ इस तरीके से लिखेंगे, इक्वल टू काउंट इफ, रेंज में हम सेल वाली रेंज लेंगे B2 से B13, और क्राइटेरिया में हमें चाहिए 1500 से ऊपर वाले सेल, तो डबल कोटेशन मार्क लगाकर हम लिखेंगे ग्रेटर देन 1500। आप यहां पर किसी भी लॉजिकल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। तो हमें यहां पर 1500 से ऊपर वाले चार सेल मिले हैं। अब देखते हैं काउंट इफ फंक्शन को। तो हमें काउंट इफ फंक्शन का यूज तब करेंगे जब हमें एक से ज्यादा कंडीशन अप्लाई करके सेल नंबर काउंट करना हो। जैसे यहां पर मैं लिखता हूं इक्वल टू काउंट इफ, क्राइटेरिया रेंज 1 में हम सेल वाली ही क्राइटेरिया लेते हैं और क्राइटेरिया 1 भी हम सेम ही लेते हैं, ग्रेटर देन 1500। कॉमा लगाकर हम क्राइटेरिया रेंज 2 लेंगे, यहां से रीजन, और हमें क्राइटेरिया 2 में चाहिए वेस्ट। फॉर्मूला क्लोज करेंगे और एंटर। तो ऐसे यहां पर हमें दो रिकॉर्ड मिल रहे हैं जिनकी सेल 1500 से ऊपर है और वो वेस्ट जोन से है। तो इस तरीके से आप यहां पर मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं। मैक्सिमम आप 127 कंडीशन तक यूज कर सकते हैं, जो आप कभी भी यूज करने वाले नहीं हैं, जस्ट आपके नॉलेज के लिए बताया है। तो आशा करता हूं आप काउंट फंक्शन की जितने भी वेरिएंट है वो अच्छे से समझ गए होंगे। आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। काउंट फंक्शन के बारे में हमारी वेबसाइट excelguruji.in पर ब्लॉग पोस्ट भी अवेलेबल है, उसमें डिटेल में हमने एग्जांपल के साथ सारे फंक्शन को एक्सप्लेन किया है। हमने प्रैक्टिस वर्कबुक भी दी है, आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं एक्सेल की इन्फॉर्मेशन वाली नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग।